नमस्कार भारत, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने उबुंटू सिस्टम को उबुंटू स्टूडियो को उबुंटू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उबुंटू स्टूडियो को उबुंटू में कन्वर्ट करने के लिए आप टर्मिनल ओपन कर लीजिए पहले, और यहाँ पे एक कमांड रन कीजिए, सूडो एप्ट गेट अपडेट। इस कमांड को रन करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड दे दीजिएगा और बेसिकली ये कमांड रन कर जाएगा। और ये हो गया कमांड कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ रन करना है, एक चीज़ इंस्टॉल करना है, सूडो एप्ट स्पे हाइफन गेट इंस्टॉल टास्क सेल, एंटर मार दीजिएगा। टास्क सेल मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद टाइप करना है सूडो टास्क सेल, उसके बाद कुछ इस तरीके का खुल जाएगा आप में। उसके बाद यहाँ पे आपको उबुंटू जो डेस्कटॉप होगा, आप यहाँ पे आपका बेसिकली उबुंटू स्टूडियो डेस्कटॉप होगा, यहाँ पे टिक होगा, बेसिकली ऐसा स्टार होगा, इसको स्पेस बार दबा के हटा दीजिएगा। और उबुंटू स्टूडियो पे उबुंटू डेस्कटॉप पे ये स्पेस बार नहीं होगा, मतलब ये जो स्टार है नहीं होगा, उसको स्पेस बार दबा के ला दीजिएगा। उसके बाद टैब दबाइएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, इससे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी उबुंटू है तो इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना में आपका जो है सो प्रोसेस में टाइम लेगा, बहुत सारा टाइम लेगा, तो MB होना चाहिए आप में पर्याप्त मात्रा में उसके लिए। तो उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रीस्टार्ट कीजिएगा सिस्टम, आपका उबुंटू स्टूडियो बन जाएगा। और बेसिकली वहाँ पे ऑप्शन देगा, क्या बोलते हैं, लॉक स्क्रीन पे, कि आप चूज करना चाहते हैं कौन सा डेस्कटॉप, तो आपको अपने मर्जी के अनुसार चूज कर लीजिएगा। और साथ में उबुंटू स्टूडियो का जितना भी पैकेज है सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा इसके साथ साथ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।